वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सच तिवारी चैनल पे। आप सभी ने इसका थंबनेल देख लिया हो तो आप सभी को बता देता हूँ, मैं एक न्यू कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसमें कि हर एक सीरीज के एपिसोड्स बनेंगे। वो कितने एपिसोड्स बनेंगे वो आपको पता चलता रहेगा। तो ये मेरी फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है और इस सीरीज का नाम है तो आपको पता चल चुका होगा, इस सीरीज का नाम ये है और ये एपिसोड फर्स्ट है। ऐसे ही हर एक सीरीज के 10, 5, 3, 6, 2 एपिसोड्स आते रहेंगे। तो आज ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है और फर्स्ट एपिसोड की खास बात ये है कि आपकी डिमांड पे आपके इंस्टाग्राम स्नैपचैट मैसेजेस के बाद मैं फाइनली एक गोस्ट डिटेक्टिव एप्लीकेशन यूज़ करने जा रहा हूँ। और आप सबको पहले गूगल टाइम दिखा देता हूँ जो कि ट्रेंड मैं ही लेके आया था। 12:04 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं गूगल टाइम। और आप सभी को बता देता हूं ये ऐप बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो मैंने सोचा कि मैं इस एप्लीकेशन को यूज करूं, देखूं ये कैसे वर्क करती है। लेकिन उसके स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देता हूं, ये जो एपिसोड है इसमें मैं सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा कि ये कैसे काम कर रही है। अगर आपको टेक्निकली इसके बारे में जानना है और ये जानना है कि ये कैसे काम करती है, ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा और वो भी मेरे एपिसोड का एक हिस्सा होगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस एप्लीकेशन के बारे में, जिसको जानना हो जान सकता है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो प्लीज़ आप जाके पढ़िए क्योंकि हर बार हर नई वीडियोज़ में मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँ आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज ढूंढते हैं एक भूत को, एक चुड़ैल को, एक आत्मा को जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमेशा मैं भूत नहीं, मैं स्पिरिट बोलता हूँ, लेकिन भूतों के, गोस्ट के जो भी है बहुत सारे नाम होते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको ये मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट कर दी है और ये आपको एंड्रॉयड पे भी मिल जाएगा और iOS पे भी मिल जाएगा। इसके अंदर कोई भी, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये गोस्ट डिटेक्टर एप्लीकेशन जो है, देखिए यहाँ पे मेरे को एक गोस्ट का सिग्नल आया। एक बार देखते हैं इस तरफ क्या, मैं लाइट मार के देखता हूँ और इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं जैसे कि एप्लीकेशन बताती है। इस तरफ जाना है हमें, मतलब ये देखिए सामने ही मेरे को मिल गया कोई, ये देखिए ओ हो, मतलब इधर कोई है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो चलिए मैं इसे पूछता हूँ। देखिए प्लीज़ मेरे को कोई हार्म मत पहुँचाना। अच्छा ये इधर उधर हो चुका है, ये कहीं जा चुका है, ये इस तरफ शो कर रहा है, अब कहीं इस तरफ जाना पड़ेगा। सिग्नल लॉस्ट हो चुका है, ये फिर कहीं जा चुकी है स्पिरिट। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आप सभी को बता देता हूँ मैं एक हॉन्टेड प्लेस पे हूँ। मैं इधर लाइट मारता हूँ, इस तरफ ही थी वो स्पिरिट, कहाँ गई, किस तरफ गई वो। फिर से सिग्नल जा रहे हैं, मतलब वो स्पिरिट आसपास में ही है कहीं इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। कुछ आवाज आ रही है और जो इस आया, इधर सिग्नल इस पेड़ के पास ही, ये रही स्पिरिट, ये देखिए। मैं लाइट को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट, व्हाट्स योर नेम। ओहो इसको देखना, ये कितनी भयानक लग रही है। चलिए इससे नाम पूछा अभी मैंने,
और अभी इनकी ये फिर से स्पिरिट गायब हो गई है। चलिए इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये फिर से वही, ये दूसरी स्पिरिट है। ये एक हॉन्टेड लोकेशन है। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू मेल और फीमेल? ओके, आज मैं EMF का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि सारी चीज़ इसके अंदर ही है। EVP, ESP, EMF, जस्ट अ बॉय ऑलमोस्ट अ मैन। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी यू आर, मतलब किस टाइप की आप स्पिरिट हो, ये एनर्जी कैसी है? पीछे से आवाज़ आ रही है एक, आई गेस आई एम अ गोस्ट। ये देखिए आपके सामने लिखा है, आई गेस आई एम अ गोस्ट। ओके, ये एक भूत है। आर यू गुड और एविल? एक ये आवाज आ रही है, पास आ रही है शायद, थोड़ा पीछे 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 पीछे, थोड़ी सी पीछे, थोड़ा सा पीछे। आई नेवर डिड नथिंग टू बैड। ओके, ओहो ये शोर देखिए, शोर देखिएगा इसे, ये शोर, ये रात को 12 बजे इतना कॉमन नहीं है जैसे कि मोर चला रहे हैं, मोरू की आवाज़ आ रही है। वेयर वर यू बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे? ये क्वेश्चन का जवाब, व्हेन वर यू बॉर्न, सॉरी 1834 में इसका जन्म हुआ है। देखिए शोर देखिए गाइस, ये देखो, मेरे को लगता है थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, थोड़ा सा आगे जाना चाहिए इसके पास ये। ओके, हाउ डिड यू डाई? ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है जिससे स्पिरिट का पता चलता है वो मतलब आपको हार्म पहुंचा सकती है नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जो लोग किसी इंसान का मर्डर कर देते हैं, ओके 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 ओके, तो वो बैड स्पिरिट होती है। देखिए शोर बंद हो गया, आई स्लिप्ड ऑफ द रूफ। ओके, फिर से शोर आ रहा है, देखिए। ओके, ये शोर देखिए आप, आपको पता चल रहा होगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा अभी ये, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहिए, मैं थोड़ी लोकेशन चेंज करने की कोशिश करता हूँ। और आप सभी को बता देता हूँ, अब काफ़ी लोग जो भी बोलेंगे ये एप्लीकेशन फेक है जो भी है, इसके लिए आपके पास जो मेरे चाहने वाले हैं उनका एक कमेंट में जवाब होना चाहिए कि आप में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करूं और आपको दिखाऊं कि ये कैसे काम करती है। शोर देखिए, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है ऐसे एकदम शोर मचना, आप इस चीज़ को कॉमन नहीं समझ सकते, ये नॉर्मल बात नहीं है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगर कुछ और दिखता है तो। एक्चुअली ये मैंने एप्लीकेशन अपग्रेड नहीं करी है क्योंकि मैंने जस्ट अभी इसे डाउनलोड किया था। आप ट्राई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को अपने घर में भी, आपको दिख सकता है। अब मैं आपको इसका एक जवाब दूंगा जो मेरा एक कंक्लूजन है इस एप्लीकेशन को लेके। देखिए शोर मच रहा है काफी ज्यादा, अब बंद हो गया, जब मैं एप्लीकेशन को यूज कर रहा था तब ज्यादा शोर था। शायद अब कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि जिस जगह पे मैं था वो हॉन्टेड जगह है, ऐसा काफी लोगों का कहना है कि यहाँ पे आत्माएं भटकती हैं, स्पिरिट होती हैं। तो अब मैं इस चीज की श्योरिटी अभी तो नहीं दे सकता कि ये बिल्कुल एक्चुअली सही बता रही थी एप्लीकेशन, लेकिन कुछ एप्लीकेशन पे भरोसा हमें करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है वो ये हो। और भी मैं एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, फिर मैं आपको अपनी जजमेंट दूंगा कि मेरा क्या कहना है, लेकिन अभी कोई सिग्नल नहीं है।
यहाँ पे सांप का डर हो सकता है। कुछ आवाज आ रही है यहाँ से। अब मुझे आसपास कोई स्पिरिट नहीं दिखी है, इस एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज़ डिटेक्ट नहीं हो रही है। अब आप सबको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी इसके अंदर EMF और वो इसलिए इंक्लूड नहीं था क्योंकि वो चलते चलते मैं उन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता बिल्कुल। लेकिन आप सबको एक बात बता देता हूँ, जब ये एप्लीकेशन मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी, मैं इस एप्लीकेशन को बिल्कुल झूठ मान रहा था। शायद आप में से काफ़ी लोग अभी भी ऐसे होंगे जो इस एप्लीकेशन को झूठ मानेंगे, बिल्कुल मानते होंगे, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैंने इस एप्लीकेशन में एक चीज़ देखी, वो ये थी कि मैं रात को अपने फार्म में, जो खेत है मेरे उसके अंदर मैं जब ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था, तो ऐसे ही जवाब मुझे मिले, 1934 में मेरी डेथ हुई, मैं बैड हूँ, आई एम बैड स्पिरिट और आई कैन हार्म यू, कि मैंने जब उनसे पूछा कि आप मुझे हार्म पहुंचा सकते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने, तो आप लोग मानेंगे नहीं, जब मैं आपको अपने फार्म वाली बात बता रहा था तो सडनली ये कैमरा ऑफ हो गया और इसके अंदर बैटरी बहुत फुल थी, मतलब बैटरी पूरी फुल थी और अपने आप ऑफ हो गया और 5 मिनट बाद जाके ये फिर से ऑन हुआ है। पता नहीं कैसे ये हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे चाहने वाले शायद इस बात को समझे, जो नहीं भरोसा करे वो उनकी चॉइस है। तो आप सभी को बता देता हूँ कि जब मैं अपने फार्म पे था, मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा था, मैंने आपको बताया कि मैं भरोसा नहीं कर रहा था ना, अभी मैंने सोचा कि मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊं कि जब मैंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो जो क्वेश्चन का आंसर था ना, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं सच में वहाँ से वापिस आ चुका था, पीछे आके भग के, मतलब थोड़ा सा फास्ट वॉक करके वहाँ से आया। उसमें आंसर ये था कि मैं खेतों में बीज बो रहा, आई एम स्प्रेडिंग सीड्स हेयर। सच बता रहा हूँ, इतना शॉकिंग आंसर था मेरे लिए। कुछ लोग ट्रस्ट करेंगे, जो लोग नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इतने बजे ये काम करके दिखाइए, तो मैं आपको मान जाऊँगा, आपकी बहादुरी को सल्यूट करूंगा। तो जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना। और ये सीरीज़ फर्स्ट का फर्स्ट एपिसोड है और इसके अंदर कितनी सीरीज़ आएंगे, आप ज़रूर पूरी सीरीज़ देखना, तभी आपको समझ आएगा कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सी वीडियोस डाली हैं। और अगर किसी को टेक्निकली जानना हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं एक वीडियो इस सीरीज़ के अंदर डाल दूंगा लास्ट में, जो मेरी शायद 5th वीडियो हो, चाहे 6th हो, चाहे 10th हो, चाहे 3rd हो। अब प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर लें, सो डैट आपको वहाँ पर मेरी लाइव अपडेट्स मिल जाए। प्लीज़ सपोर्ट मी और इस सच तिवारी फैमिली को बड़ा कर दीजिए। लोगों को सच दिखाना है मुझे, लोगों को हर एक बात बतानी है जो वो जानना चाहते हैं, और आपके सारे डाउट्स अब इस सच तिवारी चैनल पे, इन हर एक एपिसोड पे क्लियर होंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, गुड नाइट।